आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुखड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और दो शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ आता है एक काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले यह हुआ था, 800 साल पहले यह हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। यह स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस, तो वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी। आप दुगनी की बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सबने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे। ये असलियत है इस सरकार की, असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है, पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा। हम फिर से मांग करते हैं कि आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगे इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। धन्यवाद।